हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। यार एक भाई का मुझे कमेंट आया, इंस्टा में भी पूछा था भाई ने, वीडियो के कमेंट में भी आया था कि वो जापान आ रहा है, निखिल राठी नाम है भाई का। वो जापान आ रहा है और उसकी स्कूल जो है उसे डॉर्मेट्री प्रोवाइड नहीं कर रही। तो उसने मुझे पूछा कि यार यहाँ पे रूम कैसे रेंट में ले सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं पहले से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जब भाई का कमेंट आया तो मुझे लगा यार थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि जैसे आप जापान में कोई भी रूम सर्च करते हैं ना, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। बट वहाँ से सर्च करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जैसे कि अगर वहाँ से रूम लेते हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट जो होती है, की मनी होती है, वो पे करनी होती है। और वो मिनिमम कम से कम 50,000-60,000 देना पड़ता है, वो भी उसके लगते हैं जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग वगैरह होती है, वो मिनिमम होता है। और वो ये रिफंडेबल नहीं होता। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं 1 ईयर से पहले, तो उसमें आपको चार्ज भी देना पड़ता है, कम से कम 1 मंथ का रेंट आपको पे करना पड़ता है। जो मनी देते हैं ना, जो की मनी, डिपॉजिट मनी देते हैं, जैसे कि मैंने अपना रूम ये सर्च किया ना, तो मैंने 170,000 इसका डिपॉजिट मनी, की मनी दोनों मिला के दिया, और 30,000 का मैंने इंश्योरेंस कराया, तो टोटल 2 लाख मुझे इसमें दिया। और ये मेरा नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे आपको रूम सर्च करना है बिना की मनी, बिना की डिपॉजिट के, और कोई भी आपका चार्ज ना पड़े, तो यहाँ पे वैसे काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा फेमस वेबसाइट है वो है sumo.com। तो उसमें कैसे रूम सर्च कर सकते हैं आप, कैसे बिना की मनी के रूम सर्च कर सकते हैं, वो ये दिखाने के लिए मैं आपको सुमो के वेबसाइट में लेके चलता हूँ, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और पूरी कंडीशन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे रूम को सर्च कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें इसको सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये पेज हमारे ऐसा ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सुमो है, तो इसको हमें सुमो सिलेक्ट कर, ये जैसे मैंने सुमो सिलेक्ट किया, देखो ये प्रॉपर्टी अपने आप ये ओपन करके दे रहा है, बट हमें कंडीशन वाइज सर्च करनी है, इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो सबसे पहले हमें कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे एरिया, कि हमके कौन से एरिया में चाहिए हमें। ये मैंने किया एड लाइन। अब ये देखो यहाँ पे प्रोफेक्चर हैं, ये सारे प्रोफेक्चर, टोकियो सोकियो आ रहा है इसमें सब कुछ। तो ये देखो ये क्यूशो आ रहा है जो फुकुओका का है, तो मैंने इसमें किया फुकुओका। अब ये JR वेस्ट जापान, आपको कौन सी JR आपके पास पड़ती है तो आप उसको सिलेक्ट करें। ये मैंने किया जैसे हकाता मिनामी लाइन, और भी यहाँ पे नीचे हैं, तो आप इनमें से देख सकते हैं कि आपकी कौन सी नियर बाई लाइन जाती है, आपको जितना भी कन्वीनियंट चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ चूज ए स्टेशन। जैसे मैं चूज स्टेशन पे गया तो ये हकाता साउथ लाइन आ रहा है, या मैं इसे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पे व्यू प्रॉपर्टी में जाता हूँ। जैसे मैं ये व्यू प्रॉपर्टी में गया तो ये सिर्फ अभी कंडीशन जो लगा है ये लगा है सिर्फ एरिया का। अब हमें यहाँ पे और भी कंडीशंस को अप्लाई करनी है, जैसे कि अब ये दूसरा आता है देखो ये रेंट वाला, तो रेंट में यहाँ पे अगर आपको कितने, मतलब मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं अनसेलेक्टेड रहने देता हूँ। ये जो सबसे मिनिमम होगा वो दिखाएगा। अभी विदाउट लिमिटेड लिमिट जो आ रहा है, तो इसमें आप सिलेक्ट कर दीजिए कोई भी, तो उससे ऊपर आपको शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45,000। तो जैसे ये हुआ, अब इसके बाद आता है ये मेन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सर्विस फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, ये सारी जो आ रही है, तो यहाँ पे हमें करना है नो सिक्योरिटी नो की मनी। ठीक है, तो इसको हमने किया सिलेक्ट ये, और नीचे अभी यहाँ पे आता है फ्लोर प्लान, आपको कौन सा रूम चाहिए, तो 1R, 1K, 1D, 1LD के आपको कौन सा चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप अगर सिंगल रहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, तो 1R, 1K भी आप स्टूडेंट लाइफ में ये ठीक रहेगा आपके लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो 1DK कर सकते हैं, जिसमें आपको किचन थोड़ा सा अटैच मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा अलग मिल जाएगा। और ये 1LD के जो मेरा रूम है, जिसमें मतलब एक आपको लिविंग आएगा, डाइनिंग आएगा, किचन आएगा, ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें वह 1K कर दिया, 1DK किया, चलो ये 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 फिल्टर लगाया। अब इसको नीचे आपको वॉक फ्रॉम स्टेशन, अगर आपको और कन्वीनियंट चाहिए कि आपके स्टेशन कितने नज़दीक में हो, तो ये लगा सकते हैं, तो मैं इसको नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, तो इसको ज़रूर करना आप। तो जैसे आपको चाहिए अपार्टमेंट, अब ये हमने सेलेक्ट कर दिया।
अब ये पॉपुलर कंडीशंस हैं, इसमें से आपको कुछ भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं इसको पढ़ के। देखो ये सारी कंडीशन में अप्लाई कर दी और ये कंडीशन आपको हमेशा लगाना है, तभी जाके आपको बिना सिक्योरिटी के बिना उसके मिलेगा। अभी ये सारे देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई, जितने भी आपके मतलब कि नियर बाई जो भी कंडीशन लगाई है यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हमें अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ पे व्यू द डिटेल जाएंगे। देखो ये इसको सब कुछ लिखा, देखो यहाँ पे ये है ना डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी वगैरह, ये नन है, की मनी यहाँ पे है वो भी नन है, फ्लोर है 1K, एरिया ये कितना आपका रूम कितना बड़ा है उसका है। ओके, ये यहाँ पे ये सारी और भी लिखी हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो ये इसकी इमेजेस है कुछ, ये मेन बिल्डिंग की इमेज है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैप दिख जाएगा कि कितना बड़ा मतलब कि जो मैप है, और ये नियर बाई जो सुपर वगैरह होते हैं सुपर मार्केट वगैरह होती है। अभी देखो इंटीरियर ये अंदर का है, ये है बाथरूम उपरो जिसे बोलते हैं, ये टॉयलेट, ओके ये बाहर है, और ये लॉबी, और ये भी इंटीरियर का एक ये है बालकनी। तो यहाँ पे आपको कुछ तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे तो और भी इमेजेस हैं, उसको और भी आप देख सकते हैं डिटेल से अगर आपको देखना है। ये बाहर की पार्किंग है, जो उनके पास कार वगैरह होती है तो वो पार्किंग लेते हैं, तो ये यहाँ से आपको सारा दिख जाएगा। देखो रूम बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अब इसका करना क्या है आपको, जैसे आपको ये रूम पसंद आया तो इस रूम की आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कोई भी नियर बाई जो भी आपके जो रेंटल होते हैं ना, जैसे एब्रू है या फिर और भी कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये एक्चुअली सोमो एक आपको सर्च इंजन टाइप जैसे बोल सकते हैं, यहाँ से आपको सिर्फ रूम सर्च करने को मिलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। अब आपको इनका अगर कॉन्ट्रैक्ट कराना तो आपको किसी भी जो भी एब्रू है या और भी जो रेंटल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उनके पास जाइए और करवाइए। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो लोग डिपॉजिट मनी वगैरह की मनी वगैरह आपको बोलेंगे कि इतना इसका ये है, बट आपको इसका जब स्क्रीनशॉट लेके जाओगे तो ये आप उनको दिखाइए कि देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रूम सर्च किया है और ये रूम मैं लेना चाहता हूँ, इसमें देखो ये साफ लिखा है, तो आप उनको बताइए तो फिर वो नहीं लेंगे, नहीं तो वो लोग फिर बोलने लगते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता दूँ, जितना ये 33,500 इसमें ये रेंट है, अभी एक मैनेजमेंट फीस होती है जो ये एवरी मंथ होती है, तो ये 1500 yen मतलब आपका एवरी मंथ ये भी इसमें में ऐड होगा, तो आप ये भी देख सकते हैं इसका। बहुत से होते हैं जिनमें ये फीस नहीं होती, बट आप इसको अगर नहीं देना है तो आप दूसरे रूम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा नीचे उसका डिटेल है, तो आप ये नीचे पूरा उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर जापान में आपको कोई भी रूम रेंट करना है ना, तो उसके लिए आपको जापान में होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे सब कुछ हार्ड कॉपी में चलता है, सॉफ्ट कॉपी में कुछ नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे होना बहुत मस्ट होता है। तो उसके केस में आप कॉलेज के नाम से हो सकता है, या आपका कोई यार दोस्त रहता है तो उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, तो फिर आप यहाँ पे उसके साथ शेयरिंग में रह सकते हो, ये बात को ध्यान देना। अब जैसे ये है, अभी दूसरा अगर देखो इसका भी यही रेंट है, इसका भी वही रेंट है, सेम रेंट के एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है ये 36,000 मतलब मिनिमम उसका उतना आ रहा है, क्योंकि मैंने 1LDK भी सिलेक्ट कर रखा है ना, इसलिए इतना महंगा थोड़ा सा महंगा लग रहा है। पर अगर मैं यहाँ से 1LDK अगर हटा देता हूँ कि प्राइस जो भी रेंट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने 45 है तो 40 किया, इसको मैं 1R कर देता हूँ। देखो जो कंडीशन लगाई ना उस कंडीशन के हिसाब से इतने का मिल रहा है, बट आपको मेन बेनिफिट होने वाला है जो मनी डिपॉजिट मनी लगती है वो सब लगती है, वो सब नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें यार फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पैसे वापस आते नहीं है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लाइक 1 month के रेंट वगैरह आपको देने पड़ सकता है। तो आप यहाँ से कोई भी रूम सर्च कर सकते हैं। देखो जैसे एक प्रॉपर्टी है, तो इसको अगर देखें तो इसकी सारी डिटेल है। देखो इसका रेंट, तो रेंट थोड़ा सा बढ़ गया 40,000, बट इसमें जो मैनेजमेंट फीस आपको मैं एवरी मंथ दिखा रहा था 1500, वो देखो यहाँ पे नन है, इसमें कोई नहीं, ये भी नन, ये भी नन, यहाँ पे सब कुछ मतलब है नन है, इसमें एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ 40,000 इसका जो मंथली रेंट है वो है। ठीक है, यहाँ से देख सकते ये इसकी सारी फोटो है, 7-Eleven नज़दीक है, पोस्ट ऑफिस भी नज़दीक है, ये रूम का इंटीरियर देख सकते हैं,
एसी, ये किचन है, तो आप इस तरह से रूम ढूंढ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।